वाराणसी में परम धर्म संसद चल रही है और आज हम आपको बात करने के लिए मौजूद, हमारे साथ ईटीवी के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। हम उनसे जानना चाहेंगे गुरु जी, जिस तरह से यहाँ पर ये आयोजन चल रहा है आप देख सकते हैं गुरु जी, किस तरह के अभी तीन दिन का यहाँ पर चीज़ें रही सामने आई हैं अभी फिलहाल? देखिए, देश के सभी लगभग सभी संसदीय क्षेत्रों से लोग आए, अनेक संत महात्मा और विद्वान आए और सबने अभिमत रखा, अधिकांश ने। खूब चर्चा हुई, लगभग 43 विषय अभी तक आ चुके हैं जिन पर चर्चा हुई है और कल दोपहर में परम धर्मादेश जारी हो। जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर यहाँ पर काफी मुखर रहे हैं जो लोग आए हैं या संत समाज, क्या लग रहा है राम मंदिर का मुद्दा, जो राम जन्मभूमि में आयोजन हुआ था उसके बाद यहाँ पर होना, क्या लग रहा है ये मुद्दा कितना बड़ा रूप लेता जा रहा है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो है ही है, बड़ा मुद्दा है, देश में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है, लोगों की जाने गई हैं, लेकिन अब तो सब उससे भी बड़ा मुद्दा काशी का है ना। काशी में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं ये तो राम मंदिर से बड़ा मुद्दा है। जब बाबर का नाम लिया जाता है कि उसने मंदिर तोड़ दिया, जब औरंगजेब का नाम लिया जाता है कि उसने मंदिर तोड़ दिया, तो आज के औरंगजेब जो मंदिर तोड़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा ही ना हो। सबसे बड़ा मसला अब इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि काशी में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और वो भी उन लोगों के द्वारा जो अपने आप को हिंदू हितों का रक्षक कहते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर काफ़ी चर्चा हुई। जिस समय बीजेपी की सरकार आई ये बातें थी कि हिंदू हितों की रक्षा होगी और काशी विश्वनाथ का स्वरूप जो होगा मंदिर का और विशाल दिखेगा, तो क्या ये मंदिर के विस्तारीकरण का ही मामला है कि और कुछ है? देखिए, मंदिर का विस्तारीकरण मंदिरों को तोड़ करके नहीं होता है, ये जान लीजिए। आपकी रक्षा करनी हो तो किसी को मार करके आपकी रक्षा नहीं होगी, उसको रक्षा कहा नहीं जाएगा अगर ऐसा किया जाए तो मंदिरों को तोड़ करके कहते हैं सोमनाथ की तर्ज पर हम विकसित करेंगे, तो सोमनाथ की तर्ज पर आप विकसित कर रहे हो तो बताओ हमको कि सोमनाथ में कितने मंदिरों को तोड़ करके सोमनाथ मंदिर बनाया गया था। सोमनाथ में जो पुराना सोमनाथ था नया बनने के पहले, वो भी आज भी सुरक्षित है, आज भी वहाँ पूजा अर्चना हो रही है। जो सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने एक गणेश जी का मंदिर आ रहा था जो एकदम नाक की सीध में था, ठोकर है एक तरह से, वो भी वो सुरक्षित रखा गया है। आखिरी सवाल है, राम जन्मभूमि पर एक राम जी का स्टैचू लगने वाला है जिसको लेकर निंदा प्रस्ताव भी कल आया है, क्या रहेगा इस पे स्ट्रेटेजी? अब देखिए, सदस्य लोग कह रहे हैं कि स्टैचू हमारे परंपरा में नहीं है, ये महापुरुषों का बनता है, देवता का नहीं, भगवान का नहीं, परब्रह्म परमात्मा का नहीं, उसकी तो मूर्ति बनती है, मंदिर में प्रतिष्ठित होती है, ये पाश्चात्य अवधारणा है और उसको लेकर के ये लोग आ रहे हैं। भगवान चूंकि मानते नहीं है वो राम को, इसीलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं, लेकिन जो राम को भगवान मानता है वो इसको स्वीकार नहीं कर सकता। उसका विरोध है क्या इस धर्म से? हाँ, अभी तक तो सदस्यों ने यही कहा।